इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस। उपचुनाव में सपा के लिए कांग्रेस छोड़ेगी दावेदारी। 10 सीटों पर सपा को समर्थन देने का निर्णय लिया गया है। वहीं कांग्रेस ने सपा को एक नया प्रस्ताव भी दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि महाराष्ट्र में कम से कम सीटों पर अखिलेश यादव चुनाव लड़े। वहीं कांग्रेस ने सपा को बड़ा प्रस्ताव दिया है। अजय राय ने कहा है कि संभव है कि कांग्रेस एक भी सीट पर न लड़े। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आई, जहां पर विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस। उपचुनाव में सपा के लिए कांग्रेस के लिए छोड़ दी दावेदारी। 10 सीटों पर सपा को समर्थन देने का निर्णय लिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही, जहां पर विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस। उपचुनाव में सपा के लिए कांग्रेस छोड़ेगी दावेदारी। 10 सीटों पर सपा को समर्थन देने का निर्णय लिया गया है। वहीं कांग्रेस ने सपा को एक नया प्रस्ताव भी दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि महाराष्ट्र में कम से कम सीटों पर अखिलेश यादव चुनाव लड़े। वहीं कांग्रेस ने सपा को बड़ा प्रस्ताव दिया है। अजय राय ने कहा है कि संभव है कि कांग्रेस एक भी सीट पर न लड़े। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आई, जहां पर विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस। उपचुनाव में सपा के लिए कांग्रेस के लिए छोड़ दी दावेदारी। 10 सीटों पर सपा को समर्थन देने का निर्णय लिया है।